हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अब तक मैंने आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आज का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आपके पास गिवन रहेगा। फर्स्ट वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकेंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस दो मेथड से आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये लास्ट टर्न कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट वन स्टेप फर्स्ट भी हम कह सकते हैं। स्टेप फर्स्ट फर्स्ट वन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना आता है। एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गिवन रहेगा बिजनेस का रिटर्न कितना गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या आ गया आपके पास? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है? जो आपने फाइंड आउट किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हमें क्या लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एक्चुअल कैपिटल क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट है, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट है, दैट्स मीन्स जिस कैपिटल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, एक्चुअल कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। कैसे फाइंड आउट करना है? डिफरेंट सम में हो सकता है आपको डिफरेंट गिवन हो। एक्चुअल कैपिटल इक्वल्स टू ऑल असेट्स, जो भी आपके पास असेट्स है उसमें हमें क्या लेना नहीं है। एक, अगर आपके पास असेट्स में गुडविल है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड वन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स ऑल असेट्स, जो भी असेट्स आपके पास गिवन है उसमें से हमें क्या क्या कंसीडर नहीं करना। अगर गुडविल गिवन है, गुडविल कंसीडर नहीं करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करना है, और फिक्टिशियस असेट्स नहीं कंसीडर करना है। असेट्स में ये तीन चीज़ें हमें कंसीडर नहीं करनी है। रिमेनिंग जितने भी असेट्स बचेंगे सबको आप एडअप कर लीजिए, वो असेट्स हो गया। और जो भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, दैट्स मीन्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एक्चुअल कैपिटल। क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एक्चुअल कैपिटल। अब आइए एक दो सम हम प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास गिवन है, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट, ये आपके पास गिवन है प्रॉफिट 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, इसकी जरूरत आपको होगी, दिस वन गिवन एज अ 10%। असेट्स ऑफ द फर्म आर, ये गिवन है असेट्स जो आपको, एंड लाइबिलिटीज ये भी गिवन है 2,40,000। फर्स्ट स्टेप एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट गिवन है 60,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100 नॉर्मल रिटर्न ऑफ 10 6 लाख। एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज कितना आया? 6 लाख। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड
माइनस एक्चुअल कैपिटल सिक्स लाख आपने फाइंड आउट किया बेटा, माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल 7,20,000 माइनस 2,40,000, एक्चुअल कैपिटल 7,20,000 माइनस 2,40,000, 7,20,000 माइनस 2,40,000 दैट्स मीन्स 4,80,000। और ये गिवन एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड 6,00,000 माइनस 4,80,000 दैट्स मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,20,000। हर सब में आपको ऐसे ही करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइज मेथड, एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज फाइंड आउट कर लीजिए। ये गिवन है आपके पास, एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं या नेट प्रॉफिट जो भी गिवन है, इन 200 अपॉन 10, ये एक सम आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन अगेन एक ट्राई करते हैं। पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल 2,50,000 ईच, 2,50,000 ईच दैट्स मीन्स पुनीत हैव अ 2,50,000 एंड तरुण हैव अ 2,50,000 दैट्स मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ तरुण एंड पुनीत विल बी 9। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीत एंड तरुण आर रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल, ये गिवन है 2,50,000 ईच, 2,50,000 ईच, ये सिर्फ 2,50,000 ईच दैट्स मीन्स ये कैपिटल 5,00,000 बेटा, दोनों का कैपिटल क्या हो गया 5,00,000। दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट भी गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है 30,000 फॉर पुनीत एंड तरुण 20,000, दोनों का कैपिटल गिवन है और इनका कैपिटल 30 + 20 = 50,000। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है गिवन है, क्लियरली केयरफुली पढ़िएगा। दे आर रेगुलरली अर्निंग अ प्रॉफिट, लास्ट 5 years की एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ये 1 year की प्रॉफिट नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इससे आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करना है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी गिवन है 10%, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट ये आपके पास गिवन है, हर सम में गिवन रहेगा, इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंट गिवन है 10%। एवरेज प्रॉफिट यहां पे गिवन है डियर 1,00,000 इनटू 10 अपॉन 100 अपॉन 10 10,00,000 कैपिटलाइज वैल्यू 10,00,000 आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल दैट्स मीन्स टोटल कैपिटल भी आप कह सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल ये 2,50,000 इज दैट मीन्स 5,00,000 और 30,000 20,000 50,000 5,00,000 50,000 कैपिटलाइज वैल्यू ये आपने फाइंड आउट किया डियर 10,00,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल 5,00,000 ये मैंने आपको बताया, प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस 50,000 ये हो गया 5,50,000 माइनस 10 गुडविल इक्वल्स टू डियर 4,50,000 गुडविल इक्वल्स टू 4,50,000 ये सेकेंड सम मैंने आपको कराया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मूव टू नेक्स्ट वन, एक और प्रैक्टिस करते हैं आज के लिए। इसमें क्या गिवन है, फॉलोइंग द
इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मैथड. टोटल कैपिटल गिवन है 24 लाख. टोटल कैपिटल 24 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. प्रॉफिट भी गिवन है 30,000. बहुत ईजी सम है डियर. सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू. प्रीवियस दो क्वेश्चन में मैंने यही बताया. कैपिटलाइज्ड वैल्यू प्रॉफिट गिवन है 3 लाख इंटू 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू 30 लाख इक्वल्स टू 30 लाख. प्रेजेंट कैपिटल आपके पास क्लियरली गिवन है 24 लाख. गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस प्रेजेंट कैपिटल भी कह सकते हैं या एक्चुअल कैपिटल कैपिटलाइज वैल्यू आपने 30 लाख फाइंड आउट किया. प्रेजेंट कैपिटल या टोटल कैपिटल कुछ भी आप कह सकते हैं 24 लाख. वैल्यू ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन विल बी 6 लाख. नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. ये क्वेश्चन गिवन है, रीड केयरफुली. पहले रीड कर लीजिए क्या क्या गिवन है. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख. लास्ट फ्यू इयर्स आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड. गिवन दैट असेट्स गिवन है 10 लाख. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी गिवन है 1,80,000. असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से हम एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे और इस प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्ट वन कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू अगेन सेम एज इट इज. टॉपिक बहुत ईजी है बट माइंड से स्किप कर जाता है डियर. 100 अपॉन 10 एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100/10 10 लाख. कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख. एक्चुअल कैपिटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. असेट्स गिवन है 10 लाख. लाइबिलिटीज 9,80,000. 10 लाख 1,80,000 8,20,000. एक्चुअल कैपिटल भी आपने फाइंड आउट कर लिया. कैपिटलाइज्ड वैल्यू गुडविल कैपिटलाइज्ड
वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल 8,20,000 और ये गिवन है 10 लाख, 10 लाख माइनस 8,20,000 इक्वल्स टू 1,20,000। 1,20,000 आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट वन एक और ट्राई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट। ओवरऑल मैंने चार सम आपका एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन लिया और नेक्स्ट 3 to 4 क्वेश्चन में अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन लूँगा। सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट इन टू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, जो भी गिवन है रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपके पास एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें से हमें नॉर्मल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है, क्या फाइंड आउट हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये आपको आता है सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, इन टू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है। राजू ब्रदर अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ₹30,000। ये प्रॉफिट गिवन है 30,000 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2,00,000। ये कैपिटल गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ बिजनेस 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फर्स्ट स्टेप हर सम में इस मेथड में सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको पता भी होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था ये नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑफ 2 लाख, 10% ऑफ 2 लाख, दैट्स मीन्स 20,000। That means 20,000, actual profit 30,000, 30 minus 20, 10,000। मैंने सबसे पहले आपको कहा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लीजिए। क्या फाइंड आउट कर लीजिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नेक्स्ट स्टेप गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इन 200 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, इसमें गिवन है 10, सुपर प्रॉफिट 10,000 इन 200 अपॉन 10, दैट्स मीन्स 1 लाख। ये फर्स्ट सम आपका कंप्लीट हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ईजी है, फर्स्ट स्टेप आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना हर एक सम में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है इन 200 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सब कुछ गिवन रहेगा, कैपिटल गिवन है 3 लाख, ये राजन रजनी 2 लाख, दैट्स मीन्स 5 लाख हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म हैड अर्न अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी आपके पास गिवन है, दैट्स मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट ये गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, सुपर प्रॉफिट
इक्वल्स टू, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000. 1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट 20% ऑफ कैपिटल, आपको पता है कैपिटल ये 3 लाख और ये 2 लाख, दैट्स मीन्स टोटल कैपिटल हो गया 20% ऑफ 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख. 5 लाख का 20% 1 लाख, और एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 1,50,000. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 50,000. सुपर प्रॉफिट 50,000. गुडविल, सुपर प्रॉफिट शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, अपॉन इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न गिवन है डियर 20%. सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया 50,000 इनटू 100 अपॉन 20, दैट्स मीन्स 2,50,000. दैट्स मीन्स 2,50,000. हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है. नियर अबाउट 3 to 4 सब मैंने इस टॉपिक में लिया है. एक क्वेश्चन और, एवरेज प्रॉफिट ये गिवन है 50,000. एवरेज प्रॉफिट 50,000. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, ये कैपिटल गिवन है 3 लाख. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न भी गिवन है 10%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई, इसमें दो सम गिवन है, सुपर प्रॉफिट मैथड एट 3 ईयर्स परचेज जो आपने पहले किया था. सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लीजिए, इनटू 3 कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा. इस टॉपिक में मैंने पहले ही आपको बता दिया था. नेक्स्ट वन कैपिटलाइजेशन गिवन है. कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 50,000. नॉर्मल प्रॉफिट रेट 10%. 10% किसका, कैपिटल का. दैट्स मीन्स 10% ऑफ 3 लाख 30,000. 50,000, ये 20,000 आपने सुपर प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया. इसमें दो सम गिवन है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. फर्स्ट वन गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो आपने फाइंड आउट किया, इनटू परचेज ईयर. परचेज ईयर सुपर प्रॉफिट 20,000 इनटू परचेज ईयर 3. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 60,000. सेकेंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू 20,000 इनटू 100. रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया था इनटू 100. रेट ऑफ रिटर्न आपके पास गिवन है 10. सेकेंड का आंसर 2 लाख. फर्स्ट वन सुपर प्रॉफिट मैथड एट 3 ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट आपने 20,000 फाइंड आउट किया था. 20,000 इंटू 3, दैट्स मीन्स 60,000. ये दो आंसर हो गए. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 13 वन, सेम एज इट इज. अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर फर्म, देयर कैपिटल
9 लाख एंड 6 लाख दैट मींस टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 15 लाख. द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट, ये भी गिवन है प्रॉफिट 4,50,000. नॉर्मल रेट की रिक्वायरमेंट होगी 20%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है बाई कैपिटलाइजेशन मैथड, दैट्स मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड बाई सुपर प्रॉफिट मैथड इफ द गुडविल वैल्यूड एट 2 years परचेज. इसमें भी दो सम गिवन है, फर्स्ट वन फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अगेन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट 4,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20% ऑफ कैपिटल, कैपिटल 9 and 6 दैट्स मीन्स 15 लाख, 9 and 6 15 लाख, 4,50,000 into 3 लाख, 20% ऑफ 15 लाख इक्वल्स टू 3 लाख, 1,50,000. 1,50,000 क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट. अब हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 20%. फाइंड आउट करिए ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन डियर. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट 1,50,000 इनटू परचेज ईयर गिवन है 2 years इनटू 2. सेकंड का आंसर बेटा 3 लाख, फर्स्ट आंसर 1,50,000 इनटू 100 अपॉन 20, दैट्स मीन 7,50,000. कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग 7,50,000 और सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग 3 लाख. ये क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, मैंने आपको सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड भी कंप्लीट कर दिया. अगर आपको कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक में कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है.